नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं मुरली मनोहर पांडे। तो आइए हम आपको ले चलते हैं शहर के सरकार कार्यक्रम में। इस समय मैं मौजूद हूं नव सृजित नगर पंचायत मधुबन में, जहां समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं सुनीता सिंह, जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और आपको जानकारी देंगी कि अगर वह बनती है नगर पंचायत मधुबन का अध्यक्ष तो सबसे पहले क्या करेंगी नगर पंचायत मधुबन के लिए। तो जी, आपका शुभ नाम क्या? जी, मेरा नाम सुनीता सिंह है, कुमार मन। देखिए, मधुबन शहीदों की धरती है, कहीं जनता ने चुन लिया, उस लायक हम हो गए, तो सबसे पहले मैं अपने शहीद स्मारक का निर्माण करूँ। मधुबन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या, देखिए सर, हम 2005 से क्षेत्र में हैं। सबसे बड़ी समस्या इस मधुबन की नाला है। कहीं भी गली गली में जाइए, देखिए हर घर में नाले में पानी है। और मेरा सबसे पहले यही विचार है कि सबसे पहले मधुबन की सुंदरीकरण करना है, तो नाले का विकास जरूरी है। इसके अलावा और आपने चुनाव जीतने के बाद क्या मन बनाया है मधुबन के विकास के? देखिए, चुनाव में मन बनाने का सबसे पहले तो हम मलिन बस्ती में जाते हैं, सरकार देती है पर मेरे मलिन बस्तियों में वो चीज़ नहीं पहुंचता है। जैसे ले लीजिए आवास हुआ, गरीबों की जो विधवा पेंशन है, वो सब नाले हैं, अब तक वो कहीं कोई विकास दिख नहीं रही है। एक सबसे बड़ी समस्या जो है कहीं भी जो है राशन कार्ड को लेकर के, पात्र लोगों को राशन कार्ड नहीं बनाया। अगर आप जिला पंचायत का अध्यक्ष नगर पंचायत का अध्यक्ष अगर आप बनती हैं, तो सबसे पहले आप राशन कार्ड के क्षेत्र में क्या काम? पहले तो उन सब महिलाओं को वो चीज़ हम देंगे, कोशिश करेंगे कि राशन कार्ड उस महिलाओं के जो हैं उस योग्य, हम वो राशन कार्ड उन लोग के लिए बनवाने की कोशिश करेंगे पूरा भरपूर। हाँ, यहाँ की सड़कें भी टूटी हुई हैं, अभी भी गाँव का दौरा किया है, गाँव में भी मैं गया था, तमाम जगहों की सड़कें टूटी हुई हैं। अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो गाँव की सड़कों के लिए, हम गाँव का बता रहे हैं, सबसे पहले तो खीरी कोठा हरजन बस्ती में जाइए, वहाँ की नाली सब महिलाएं पानी टब में रख के फेंक रही हैं, कुर्तीगाड़ा में चले जाइए, भर्तिया में चले जाइए, सब तो नाली की प्रॉब्लम है। उसी चीज़ का तो हमको लड़ाई है कि मैं उस चीज़ को बदल के दिखाऊंगी। जहाँ पैसा फेंक के चुनाव लड़ा जाएगा वहाँ विकास होने वाली नहीं है। क्या आपको लगता है कि नगर पंचायत मधुबन में जो अन्य प्रत्याशी हैं वो पैसा फेंक रहे हैं? सीधा सीधा हम नहीं कह रहे हैं, जनता बोल रही है, वो जनता बोले, मैं क्यों बोलूं, मैं किसी को बोलूं, जनता देख रही है। आपकी साइकिल की सवारी? हमारे शुरू से हमारे पूर्वज, हमारे राजनीत, हमारे सपा के हैं हम लोग। आप शुरू से सपा? जी, इसलिए आपने की जी, हमारे बाबा शहीद अक्षय बनवाल जी हैं, वो हमारे नेता जी हैं, हम लोग शुरू से सपा के हैं और सपा के ही रहेंगे और काम सपा के। आपको क्या लगता है कि पिछली सरकार ने जो है यहाँ विकास का काम किया, यहाँ नहीं पूरे प्रदेश? जी, हम तो जनता का सुन रहे हैं कि भाई जनता परेशान है, हम अब बताएगा, जनता तो खुद बोल रही है, मैं क्या बोल रही हूँ कि सरकार क्या कर रही है, जनता परेशान है, उसी ने दिख रहा है। अब कई प्रत्याशी अगर हम कहेंगे तो गलत हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पिछली सरकार ने काम किया है, ये जरूरी सत्य है, आपको कितना लगता है? जी, हमारे अखिलेश जी ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, बच्चों को लैपटॉप मिल गई, साइकिल भी बच्चों को मिल गई, विधवा पेंशन भी मिल गई, राशन कार्ड से भी बनते, बहुत काम हुआ। अब हम लोग क्या गाएंगे, तो जनता की गा रही है। तो आपने सुना नगर पंचायत मधुबन में अध्यक्ष पद की प्रत्याशी जो दावा करती हैं कि अगर मैं चुनाव जीतती हूं तो सबसे पहले मधुबन में सड़क बनवाऊंगी, अंडरग्राउंड नालों का निर्माण कराऊंगी जहां महिलाओं को पानी टप में भर करके फेंकना पड़ता है। और मधुबन एक ऐतिहासिक भूमि है, स्वतंत्रता के समय मधुबन में तमाम लोग शहीद हुए, लड़ाई में इनकी अग्रणी भूमिका रही है। तो जिला पंचायत के अध्यक्ष बनने के बाद शपथ ग्रहण लूंगी और उसके तुरंत बाद यहाँ जो है शहीद स्मारक बनवाने का भी काम करूँगे। तो आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहे सुनीता सिंह जी को, जो यहां अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं। कैमरामैन श्रीराम के साथ मुरली मनोहर पांडे की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।